तो भैया कैसी चल रही यार आपकी तैयारी? तो आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार, हिंदी का पेपर तो अब हो चुका है। आज से हम शुरू करने वाले क्लास ट्वेल्थ मैथ्स की तैयारी, ठीक है। और मैथ्स के आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए आपके लिए, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाए, ठीक है। देख सकते हो ये क्वेश्चन है आपके, और ये क्वेश्चन जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेज है। देखो आपको वो पढ़ना यार जो कि अब एग्जाम में है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ भैया, ठीक है। 29 फरवरी को आपका गणित का पेपर है, मैथ का पेपर है। अब ऐसे सवालों को हम देखेंगे जो कि पिछले वर्षों में पेपर में पूछे गए और जो कि 29 फरवरी को आए, ठीक है, जो कि 29 फरवरी को आ सके, उन सवालों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आपको यार एकदम मस्त तैयार हो जाना है मैथ्स के लिए और हमारे साथ जुड़ जाना है, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मस्त तरीके से तैयारी होगी मैथ्स की और मस्त नंबर भी हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब आप लोग भी कॉपी पेन निकाल के जाओ और देख सकते हो हमने दो क्वेश्चंस लिए, दोनों क्वेश्चंस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इन क्वेश्चंस को कोई भी हल्के में नहीं लेगा, हर साल पेपर में आते हैं। हमने ऐसे क्वेश्चन लिए जो कि तीन तीन चार चार बार पूछे गए पिछले वर्षों में, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हो, पहला क्वेश्चन आपका है मान याद कीजिए, यह आपका क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रेशन या समाकलन 0 to a रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स, इसका आपको मान ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए, ये देख सकते हो इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 4x बटे में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से लगेंगे, अगर आपने एक क्वेश्चन लगा लिया तो आप दूसरे को तुरंत लगा लोगे, ठीक है। तो चलो पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लो और सॉल्व करते चलना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, फिर नीचे वाला। 5 नंबर का पूछा जाता, पक्का आएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, हम लोग पहले नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देख सकते हो आपको इसका मान ज्ञात करना है, ये आपका एक समाकलन का सवाल है। तो इसे आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं सॉल्व, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं i के इक्वल, i का मतलब होता है इंटीग्रेशन, जिसे क्या कहते हैं हिंदी पे समाकलन। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, और बाहर लग जाएगा dx। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसका मान ज्ञात करना, मतलब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिंपल ये क्वेश्चन, अब आप दिमाग लगाओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है, कैसे आप इसका समाकलन कर सकते हो। तो देख सकते हो अंडर रूट में x लिखा हुआ है, नीचे अंडर रूट में a माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो इसमें आपको एक गुणधर्म लगाना होगा, एक प्रॉपर्टी लगानी होगी, आपने पढ़ी होगी। एक प्रॉपर्टी होती है आपकी, गुणधर्म होता है आपका, कौन सा गुणधर्म होता है, आपने गुणधर्म पढ़ा होगा, ठीक है। ये गुणधर्म एकदम हर सवाल में ज्यादातर यूज होता है। गुणधर्म है 0 to a f ऑफ x dx इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस x dx, सबने पढ़ा होगा ये, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है क्योंकि हर सवालों में ये यूज होता है। तो आपको ये जो गुणधर्म है इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x dx इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस x dx, इसी का यूज आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। देखो कैसे, सिंपल यहाँ पे लिखते i इक्वल टू, ठीक है। इधर देखो आपसे कहा, जहाँ पे इस गुणधर्म से देखो, जहाँ 0 to a है वहाँ 0 to a रहेगा, लेकिन जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। ध्यान से समझो भैया, 0 to a जहाँ पे है वहाँ पे तो 0 to a ही रहेगा, लेकिन जहाँ पे x है वहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। तो सिंपल आपको वही चीज़ करना है, यहाँ पे 0 to a है तो उसी प्रकार से आपको 0 to a ही रखना है। तो यहाँ पर से 0 to a सेम रख देते हैं, ठीक है, जैसा था। आप जहाँ पे x है वहाँ पे क्या कर देना, a माइनस एक्स, तो जहाँ पे a है वहाँ पे कर देना a माइनस एक्स कर दिया, अपॉन में क्या है अंडर रूट एक्स, ठीक है, अंडर रूट एक्स कर दो। प्लस यहाँ पे भी देखो, a की जगह तो आपको कुछ नहीं करना, केवल x की जगह आपको समझना है, ठीक है। यहीं पे समझने की बात है, जहाँ पे x है वहाँ पे आपको करना है a माइनस एक्स, जहाँ पे x है वहाँ पे आपको क्या करना है, a माइनस एक्स करना है। तो यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा, यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा a माइनस एक्स, ये देख लो भैया ध्यान से, ठीक है। जहाँ पे x था वहाँ पे क्या कर रहे हैं, a माइनस एक्स, यहाँ पे भी कर दिया ऊपर वाले में, नीचे वाले में भी कर दिया। अब यहाँ पे समझना, प्लस लगा अंडर रूट, अंडर रूट a की जगह आपको a ही रख देना है, फिर माइनस लगा, माइनस लगा दो, ठीक है। देख लो ध्यान से, a की जगह a ही रखा, माइनस लगा दिया। अब इस x की जगह आपको क्या करना है, a माइनस एक्स, तो इस x की जगह a माइनस एक्स कर दो। देख सकते हो यहीं पे आपको समझना था, ठीक है, ऊपर लिख लो dx,
यही पे मेन चीज़ समझना था भैया। सिंपल देखो, आपने x की जगह a माइनस एक्स किया, इस x की जगह a माइनस एक्स किया, यहाँ पे जो a माइनस एक्स था यहाँ पे a माइनस फिर इस x की जगह आपको a माइनस एक्स कर देना है, ठीक है। आप कैसे सॉल्व होगा, अब एकदम आसान हो चुका है। देखो आपको सबसे पहले इसे समीकरण एक मान लेना है, ठीक है, ये जो ऊपर था ना इसको समीकरण एक मान लेना। अभी नीचे बनेगा समीकरण दो, देखो कैसे, आई इक्वल टू यहाँ से लिखते जीरो टू ए। अब यहाँ पे देखो अगर बात करें जीरो टू ए ये आ गया, अब ऊपर बचेगा यही अंडर रूट ए माइनस एक्स, अंडर रूट ए माइनस एक्स बटे में क्या बचेगा अंडर रूट ए माइनस एक्स, और देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। देखो अंडर रूट ए माइनस एक्स उसी प्रकार से यहाँ पे प्लस अंडर रूट में क्या चीज आएगा, देखो अंडर रूट में क्या चीज़ आएगा, यहाँ पे ए है तो ए लिख देंगे, ठीक है, ए है तो ए लिख देंगे, माइनस लगेगा, यहाँ पे ए है तो ए लिख देंगे। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान से देख लो भैया, ये वाला माइनस है तो माइनस करो, ए से हुआ तो माइनस ए हो गया, ये माइनस मिलके प्लस एक्स हो गया, ठीक है। आप बात करें यहाँ जब सॉल्व करोगे तो प्लस का ए और माइनस का ए आपस में कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पर से, आई इक्वल टू जीरो टू ए, ऊपर बचेगा अंडर रूट ए माइनस एक्स, अंडर रूट ए माइनस एक्स और बटे में बचेगा अंडर रूट ए माइनस एक्स और प्लस का अंडर रूट एक्स और ऊपर डी एक्स जरूर लिख लेना। ध्यान से देख लो क्या हुआ है, सिंपल ये आपका सेम उसी तरह है, ऊपर वाला भी अंडर रूट ए माइनस एक्स सेम है, नीचे वाला भी अंडर रूट ए माइनस एक्स सेम है, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हुआ था तो बचा अंडर रूट एक्स। आप इसे क्या करो समीकरण नंबर दो मान लो, इसे क्या मान लो समीकरण नंबर दो। देख सकते हो समीकरण एक ये बना था, समीकरण दो ये बना है, ठीक है। आप क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर से लिखते हैं समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण एक व दो को जोड़ देते हैं, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करते जोड़ देते, पहला समीकरण ये था दूसरा समीकरण ये, तो इधर का आई और इधर का आई आपस में जुड़ जाएंगे तो आई प्लस आई हो जाएगा बराबर इधर का जो है ये इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो कैसे नीचे लिख रहे हैं क्योंकि आगे जगह कम है, ठीक है, तो नीचे लिख रहे हैं इसको इंटीग्रेशन जीरो टू ए, ऊपर है अंडर रूट एक्स और नीचे है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, फिर यहाँ पे इसको जोड़ना है इसके साथ, इसको जोड़ना है इसके साथ, डी एक्स भी लिख लो प्लस ये वाला, देखो समीकरण लिखो इंटीग्रेशन जीरो टू ए, जीरो टू ए यहाँ पे ऊपर देखो अंडर रूट ए माइनस एक्स बटे में क्या है वो लिख दो, अंडर रूट ए माइनस एक्स है बटे में है अंडर रूट ए माइनस एक्स और प्लस का अंडर रूट एक्स और ऊपर है dx। देख लो भैया दोनों समीकरणों को जोड़ा है, LHS वाला LHS के साथ जुड़ा i और i, और RHS वाला RHS के साथ जुड़ा। देख सकते हो ये आपका सेम इसी तरह है, रूट एक्स बट्टे में रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स, और दूसरा वाला ये जीरो टू ए रूट ए माइनस एक्स बट्टे में रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। आप दोनों को जोड़ देते हैं, देखो i और i आपस में जोड़ेगा आएगा टू आई इक्वल टू, आप देखो इसमें भी आपका समाकलन सेम है जीरो टू ए, इसमें भी समाकलन सेम है जीरो टू ए, तो आपको करना क्या है जब दोनों में वही चीज़ लगा हुआ है, जब दोनों में भैया वही चीज़ लगा हुआ है तो आप इसको एक में कर लो। देखो कैसे इंटीग्रेशन जीरो टू ए इस टाइप से लिख लो और इन दोनों पद को इस टाइप से कोष्टक में लिख दो, रूट एक्स बटे में रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स प्लस ये वाला भी इसी में लिख लो रूट ए माइनस एक्स अपॉन में रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, कोष्टक बंद करो बाहर लिख दो डी एक्स, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे छोटा छोटा लिख दिया, समझ लेना पहले ये आई और आई जुड़ा टू आई हो गया इक्वल टू ये जीरो टू, ये इसमें भी था तो सेम था तो हमने एक ही में कर दिया। यहाँ पे ये वाला लिखा रूट एक्स बटे में रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स और फिर ये वाला लिखा। आप क्या करते हैं आगे सॉल्व करते हैं तो टू आई इक्वल टू, ठीक है, टू आई इक्वल टू जीरो टू ए। आप देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना, यही पे समझने की बात है, नीचे रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स है इस वाले पे और इस वाले पे भी यही है रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। देख लो ध्यान से भैया, इसमें भी यही है इसमें भी यही है, जब दोनों हर समान होते हैं, एलसीएम लेना पता है ना, जब हर समान होते तो उसको उसी तरह से लिख देते हैं, तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा क्या यही चीज़ रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, जिसको एलसीएम लेना पता वो समझ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो इसमें भी यही था रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, इसमें भी यही था, तो हमने इसको एक बार लिख दिया और ऊपर वाले पद क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे तो रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स ये आपस में जुड़ गए, ठीक है, और बाहर लिख दो डी एक्स,
देख सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। ये दोनों आपस में ऊपर वाले जुड़ गया और नीचे वालों का एलसीएम ले लिया तो ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देखो ऊपर भी वही चीज़ है रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, नीचे भी वही चीज़ है, तो दोनों लोग आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बच क्या जाएगा, केवल वन, ठीक है। जब आपस में कट जाएंगे तो वन बचेगा, तो टू आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए और यहाँ पर वन इंटू डी एक्स। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो दोनों समीकरणों को जोड़ा, हल किया तो ये दोनों ऊपर और नीचे वाले पद कट गए, बचा वन, तो वन इंटू डी एक्स। और वन इंटू डी एक्स क्या हो जाता है समाकलन, बताओ। अगर वन का आपको समाकलन करना है तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा, अगर एक्स के सापेक्ष कर रहे हो, ठीक है। तो एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो एक्स हो जाएगा टू आई इक्वल टू, वन का समाकलन करोगे हो जाएगा एक्स, और अभी लिमिट भी लगी है जीरो टू ए, तो लिमिट लगा दो यहाँ पे जीरो टू ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो टू ए लिमिट लगी। आप क्या करते हैं इसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। टू आई इक्वल टू यहाँ पे एक बार एक्स की जगह ए रखो और एक बार एक्स की जगह जीरो रखो, तो टू आई इक्वल टू ए माइनस जीरो, क्योंकि एक बार एक्स की जगह ए रखेंगे तो ए, फिर माइनस लगेगा, फिर एक्स की जगह जीरो रखेंगे जीरो, तो टू आई इक्वल टू आ जाएगा ए, और यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे आ जाएगी ए बाई टू, यही हो जाएगा इसका मान, आई इक्वल टू ए बाई टू, और आई आपने माना था इसको, तो इसका जो मान आया वो कितना आया, ए बाई टू आ गया है। तो देख सकते हो भैया पाँच नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन आसान था लेकिन आपको समझना था क्वेश्चन कैसे लगेगा, सिंपल ये दिया था, अंडर रूट में था, आपको लगा कि ये भैया हमसे समाकलन नहीं हो पाएगा इसका, आपको सिंपल ये गुणधर्म लगा देना है, गुणधर्म लगेगा आपका ये आ जाएगा, क्योंकि आपको x की जगह क्या कर देना है, ए माइनस एक्स कर देना है, हमने ए माइनस एक्स किया और इसे सॉल्व करके समीकरण दो बनाया, समीकरण एक और दो को जोड़ा तो आपकी वैल्यू आ गई यहां तक, फिर दोनों ऊपर नीचे सेम हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा वन, तो वन इंटू डी एक्स हो जाएगा, वन इंटू डी एक्स का होता है एक्स, और यहाँ से लिमिट लगेगी जीरो टू ए, सॉल्व कर लेना आई इक्वल टू ए बाई टू। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तीन से चार बार पूछा गया है, तो आपको इसको तैयार कर लेना है और आशा करते हैं समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, जैसे आपने इस पे ये प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व किया वैसा ही सेम दूसरा नंबर क्वेश्चन जो अभी लिखा था ना साइन वाला, उसको भी सॉल्व करना है, चलो उसको भी आपको बता देते, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसी तरह से भैया मस्त तैयारी आपको करनी है मैथ्स की, कि आप 29 फरवरी को मस्त फोड़ के आओ एग्जाम में, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, जितना आपका सपोर्ट रहेगा उतनी मस्त तैयारी कराएंगे आपकी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अब जो अगला क्वेश्चन था सेम उसी तरह लगेगा, एकदम सेम तरीका वही था, देख सकते हो। क्वेश्चन था, मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 पाई बाई 2 साइन की पावर 4x बटे में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। सेम क्वेश्चन है, जैसे उसमें अंडर रूट एक्स वाले पे आपने वो गुणधर्म लगाया था इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx, वैसा ही सेम प्रोसेस इस पे देख सकते हो, 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 4x और बटे में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्व करना है इसको, आई इक्वल टू मान लेना, आई का मतलब समाकलन वही इंटीग्रेशन, वही चीज नोट करना है जैसे उस पे किया था, ठीक है। समीकरण एक मान लो इसे पहले, ठीक है, इतना करने के बाद समीकरण एक मान लो, फिर गुणधर्म वही लगा दो 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx, ठीक है। आप देखो जैसे यहाँ पे उस पे क्या था, उसमें a यहाँ पे भी था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस बार भी कोई दिक्कत नहीं, देखो a की जगह क्या है पाई बाई 2, तो आपको यहाँ पर से क्या मान लेना, a की जगह पाई बाई 2 मान लेना, ठीक है, a की जगह पाई बाई 2 मान लेना, तो जहाँ पे a माइनस x हो रहा है वहाँ पे a की जगह पाई बाई 2 रख देना। देखो जैसे आपका 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू a ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, तो x की जगह क्या हो रहा है a माइनस एक्स, लेकिन यहां पे a है यहां पे पाई बाई 2 है, तो a की जगह है पाई बाई 2, तो जहां पे a माइनस एक्स है वहां पे हम क्या कर देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो यहां पर से हो जाएगा i इक्वल टू, देखो यहां पे वैल्यू रख रहे हैं 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, साइन की पावर 4, x की जगह हमने क्या रखा a माइनस एक्स, और a की वैल्यू है यहां से पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, और बटे में भी इसी तरह x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स और x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, ठीक है। इतने तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखो साइन की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स ये कैसे सॉल्व हो, देखो आपको इतना तो पता यार साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है, पाई बाई 2 का मतलब है 90 डिग्री, पाई बाई 2 का मतलब है 90 डिग्री, ठीक है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, तो यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा या पाई बाई 2 माइनस एक्स है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे जैसे आप साइन की पावर 4 है तो अभी पावर 4 को भूल जाओ, आपको केवल ये समझना है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा के इक्वल, और फिर यहाँ पे पावर 4
रहेगी तो पावर 4 लग जाएगी, तो कॉस की पावर 4 और एक्स, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और पावर 4 है तो पावर 4 लगा दो, यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा पावर 4 है तो पावर 4 लगा दो, ठीक है। dx हो गया और इसे मान लिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। जैसे उसमें क्या था समीकरण 1 और समीकरण 2, अब फिर से वही करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है, ये रहा समीकरण 1, देख सकते हो यहां पर का आई यहां पर का आई दोनों जुड़ गए, यहां का ये चीज ये आया आपका, यहां का ये जो है ये आया आपका, ठीक है। दोनों को जोड़ देना जैसे सेम उस पर किया था, ठीक है, जैसा सेम उस पर किया था वैसे ही जुड़ेगा। आप देखो हम यहां पर देखेंगे आई और आई तो जुड़ के 2i हो जाएंगे यहां पर, ठीक है, आई और आई जुड़ के तो 2i हो जाएंगे। यहां पे देखा इसमें भी समाकलन सेम है, इसमें भी समाकलन सेम, देख लो 0 टू पाई बाई 2 लगा, इसमें भी 0 टू पाई बाई 2 लगा, तो अब हम इसे क्या करेंगे एक ही समाकलन के अंदर लिख देंगे और इसे कोष्टक पे क्या करना है जोड़ देना, जैसा सेम उस पे वैसा इस पे, साइन की पावर 4x बटे में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और इसमें ये वाला कॉस की पावर 4x बटे में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और ये dx वहां पे आया नहीं था तो नीचे लिख दिया, आप वहीं पे लिखना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा जैसे उसमें था सेम कि आपका जब नीचे के हर समान होंगे तो वो आपका एक ही बार लिख दिया जाएगा, एलसीएम लेने में यही होता है, तो सिंपल साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, यहां भी तो इसको एक ही बार लिख दो और ऊपर वाले पद जोड़ दो, तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या होगा देखो ऊपर भी वही चीज है सेम, नीचे भी वही चीज है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x ऊपर भी है नीचे भी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा केवल 1, तो यहां से आ जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू dx, और 1 का समाकलन होता है x, तो x लिख देंगे और यहां पे आपकी लिमिट या लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2। अब यहां पे 2i तो पहले से ही है, x की जगह क्या रख देना पाई बाई 2 और एक बार रख दो 0, जैसे उसमें था a और 0 था तो एक बार x की जगह a रखा एक बार 0, तो a माइनस 0 हो गया, तो यहां पे पाई बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। अब पाई बाई 2 से 0 घटाओगे पाई बाई 2 बचेगा, और ये वाला 2 भाग में नीचे चला जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो i इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 4, देख लो यहां से ये वैल्यू आती 2i इक्वल टू पाई बाई 2, देख लो 2i इक्वल टू पाई बाई 2 आता, ये 2 आपका गुणा में इधर चला जाएगा भाग में, तो i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेपर के लिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पे 3-4 बार पूछे गए, ठीक है, तो आने की भी चांसेज है, तो आशा करते हैं दोनों क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे, ठीक है। देखो जब क्वेश्चन की स्पीड बढ़ेगी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको मतलब क्वेश्चन लगाने का तरीका पूरा पता चलेगा, ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आप मिलेंगे इसके अगले वीडियो पे, उस पे भी जो पिछले वर्षों के पेपर है हमारे पास जो 2018, 2019, 2020 जितने भी सालों के हैं उनसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, जिससे आपके एग्जाम में पूरे फंसे वो क्वेश्चन और आप मस्त नंबर लाओ, ठीक है। तो आपको सपोर्ट दिखाना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई भी वीडियो अगर हम डालें तो आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।